हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं हित अभिलाषी शर्मा थोड़ी जानकारी दे लई जानकारी हित चैनल दे उत्ते थोड़े नाल एक नवा टॉपिक नवा सब्जेक्ट थोड़े नाल डिस्कस करन जाने। बेसिक सब्जेक्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स। कंटेंट की है, आओ उस नु जानिए ताकि असी अपने सब्जेक्ट नु और बढ़िया बना सकिए। लेट्स मूव अहेड विद मी। हेलो, टुडेज टॉपिक इज इकॉनमी, अर्थव्यवस्था की है। असी अर्थशास्त्र की है वो जानते हाँ, एक अजिहा साइंस जिस आर्थिक गतिविधियाँ अर्थ नाल संबंधित गतिविधियाँ का अध्ययन करते हैं उन्होंने असी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहने हैं। बट आज साडा टॉपिक है इकॉनमी की है, अर्थव्यवस्था की है, साने ये देखना है। इकॉनमी रेफर्स टू द, ये जड़ी यही लाइन है ना, सब तो इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन नू पकड़ लो तो कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इकॉनमी रेफर टू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। बस यही इकॉनमी है जी, अर्थव्यवस्था किसी खास भूगोलिक खेत्र दे इकोनॉमिक भाव आर्थिक प्रणाली नू अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब कि इहनू समझण की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, साढ़े पिंड दे विच, साढ़े शहर दे विच, देश स्टेट या सारी दुनिया च हर व्यक्ति लग्या हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करन। एक खास एरिए दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नू, जिस दे विच चार एक्टिविटीज़ आ जांदियां ने, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे उस कंबाइंड रूप नू उस एरिए दी अर्थव्यवस्था कहने हैं। इनू समझन लई ध्यान नाल समझो इस गल नू कि एक पिंड है उत्थे दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होर ने, एक दूसरा पिंड है उत्थे कुछ होर ने, एक शहर च कुछ होर ने। जो गुजरात दीआं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने, पंजाब दीआं अलग ने, यूपी दीआं अलग ने, साढ़े देश दीआं अलग ने, तां साढ़े नाल जिहड़े साढ़े पड़ोसी देश ने बंगलादेश है उत्थे दीआं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग ने, कैनेडा दी अलग ने, यूएसए दी अलग ने। ये सारे दी सारी ज्योग्राफिकल रीजन दीआं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने, इहनू उस ज्योग्राफिकल रीजन दी, चाहे वह एक पिंड है, एक शहर है, या एक देश है, या एक स्टेट है, उत्थे दी अर्थव्यवस्था या असी इकॉनमी कहने हैं। हुण मैं गल करां सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनू कॉन्सैप्ट नू भी क्लीयर करिए। एक एग्जाम्पल मैं तुहानू, एक मजदूर है वो किसी फैक्ट्री काम कर रहा है। मजदूर मतलब मैं भी हो सकता है, मैं किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे विच काम करता होवां, तो मैनू अपनी सेवावां दे देन दे बदले दे विच, भी जिहड़ी मेरियां सेवावां मैं प्रोवाइड कर रहा, दैट इज़ इनवॉल्विंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इस तरह एक मजदूर जिहड़ा फिजिकल वर्क कर रहा है किसी रोड कंस्ट्रक्शन दे विच, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दे विच, या किसी होर काम दे विच शरीरिक काम कर रहा, उहदी जिहड़ियां एक्टिविटीज़ ने उन्होंने असी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ च शामिल करते हैं। उन्हें काम किया, बदले च उन्हें कुछ मिलिया, क्योंकि मजदूर एक उत्पादन का साधन है, उन्हें बदले च कुछ मिलिया। उत्पादन के चार साधन ने, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन्हां सारिआं नूं अपनियां सेवावां रेंडर आउट करन दे लई, देन दे लई बदले च कुछ मिलता है। इस एक्टिविटी नूं, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी नूं असीं डिस्ट्रीब्यूशन कहिंदे हां। इस तों बाद उह व्यक्ति जिहनूं कुछ मिलिआ, उहदीआं कुछ जरूरतां ने, उह सीमित जरूरतां ने, साधन सीमित ने, जिन्नी कि उहनूं पैसे मिले सैलरी दे। एक एग्जाम्पल ले रहा मैं, उह बाज़ार च गिआ, उहनें कुछ वस्तुआं पसंद कीतीआं, जो भी उहनूं चाहिंदा सी, उहदीआं उन्हां दे विचों जिन्नियां को पूरा कर सकता सी अपने सीमित साधनां नाल, असीमित लोड़ां दे विचों, तां उहने कुछ वस्तुआं पसंद कीतियां, पैसा दिता, वस्तुआं ले लिया। इहनूं असीं एक्सचेंज कहिंदे हां, लेना देना हो गया भाई, पैसा देता, वस्तुआं ले लिया। फिर की होया, वो वस्तुआं जां सेवावां सी उन्हां नूं यूज़ कर लिया, मोबाइल लियांदा यूज़ कर लिया, ठीक है, रोटी लियांदी खा ली, सब्जी लियांदी खा ली, कंज्यूम कर ली, शर्ट लियांदी पहन ली,
इनू असी कंजम्पशन कहने हैं। यही चार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने जिस दे आधार पर कोई अर्थव्यवस्था बनती है। मैं इन्हां इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की गल कर रहा सी, जोग्राफिकल रीजन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इस तो बाद सानू समझना पेगा कि किसी इकोनमी के दो पहलू ने बड़े इंपोर्टेंट। एक तो नेचर ऑफ द इकोनमी, इकोनमी की उसका स्वरूप की है, उसका स्वरूप की है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है, एक कोई डिस्ट्रिक्ट है या एक देश है, उत्थे सब तो ज़्यादा एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंदियां ने, तां ओह इकोनमी है जिहड़ी उहदी नेचर की होगी एग्रीकल्चरिस्ट इकोनमी। एक देश या एरिए दे विच, एक जोग्राफिकल रीजन च इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत उद्योग ने, तो उत्थों दी अर्थव्यवस्था नूं असी उद्योगिक अर्थव्यवस्था कहांगे, इंडस्ट्रियल इकोनमी। इस तरह सानूं लैवल ऑफ इकोनमी नूं भी समझना पएगा, क्योंकि डिवेलपमेंट के अकॉर्डिंगली इकोनमी का लैवल भी अलग अलग होंदा। एक कंटीन्यूअस प्रोसैस है जिहड़ा डिवेलपमेंट है, विकास है, कंटीन्यूअस प्रोसैस है। साडा देश आज़ाद होया 1947, देश दे विच बहुत माड़ी हालत सी उस टाइम। साडी इकोनमी एक बैकवर्ड इकोनमी सी, क्योंकि लैवल ऑफ इकोनमी वॉज वेरी लो एट दैट टाइम। असी एक स्ट्रगलिंग पोजिशन तो निकलते निकलते अज दुनिया के कई देशों के नाल मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया की 8वीं तो 7वीं, उस तो बाद 6वीं 5वीं अर्थव्यवस्था, टारगेट है कि तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाइए साडे देश की इकोनमी। लगातार तरक्की कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वी आर ऑन डिवेलपिंग स्टेज। इहो जी अर्थव्यवस्था नूं असी विकासशील या डिवेलपिंग इकोनमी कहने हैं। दुनिया के बहुत सारे देश इहो जिहे ने जिथे पूरी तरह तरक्की हो चुकी है, पूरी डिवेलप्ड ने, वो उत्थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बड़ी हाई लैवल दियां ने। साडे देश की तरह मीडियोकर लैवल च नहीं हैगियां, हाई लैवल दे उत्ते ने। तां उस लैवल दी इकोनमी नूं असी की कह सकदे हां बेटे, ध्यान नाल समझो इस गल नूं, उहनूं असी कहांगे डिवेलप्ड इकोनमी, जस्ट लाइक द इकोनमी ऑफ USA, जापान एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर इज़ द टाइप्स ऑफ इकोनमी। अर्थव्यवस्था दे लैवल तो इलावा सानूं अर्थव्यवस्था दीआं किस्मां भी सीखनियां पैणगियां। जो असी अर्थव्यवस्था की किस्म की गल करते हैं तो दो गल्लां दिमाग च रखो, किसी भी इकोनमी दे विच दो सैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट ने, एक प्राइवेट सैक्टर, एक पब्लिक सैक्टर। की होंदे ने प्राइवेट ते पब्लिक सैक्टर, आओ समझिए। पब्लिक सैक्टर मीनस द सैक्टर डोमीनेटिंग बाय द गवर्नमेंट। जिन्ना भी गवर्नमेंट द्वारा डोमीनेटिंग सैक्टर है, जिथे सरकार दियां एक्टिविटीज़ ने, सरकारी उद्योग ने, सरकारी धंधे ने, सरकारी क्रियावां होंदियां ने, सारियां गवर्नमेंट या गवर्नमेंट दी एजेंसीज द्वारा काम होंदे ने किसी देश दे विच या किसी रीजन दे विच, जोग्राफिकल रीजन च, उहनूं असी उस सैक्टर नूं, अर्थव्यवस्था दे नूं असी पब्लिक सैक्टर कहिंदे हां। जस्ट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ PRTC, पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट या पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। एक पंजाब गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन का लोगों नूं सुविधा देने दे लई बनाया गया एक कॉरपोरेशन है, ये पब्लिक सैक्टर है। इंडियन रेलवे पब्लिक सैक्टर है। इस तरह दुनिया के बहुत सारे देशों के विच पब्लिक सैक्टर हो सकते हैं। तो प्राइवेट सैक्टर जिन्नी भी इंडस्ट्री है, निजी लोगों की अपनी इंडिविजुअल बड़ी बड़ी कंपनीज ने, छोटिया दुकाना ने, यह सारा का सारा अर्थव्यवस्था का सैक्टर प्राइवेट सैक्टर होंदा है। हुण सानू जिहड़ी मैं टाइप्स ऑफ इकोनमी की गल करदा सी उहनूं समझना बड़ा आसान हो जाएगा। सानू पता है कि जो टाइप्स ऑफ इकोनमी है, साडे कोल तीन तरह की अर्थव्यवस्था देखने मिल रही ने टाइप्स के आधार पर। वन इज़ द कैपिटलिस्ट इकोनमी, सैकेंड वन इज़ द सोशलिस्ट इकोनमी, थर्ड वन इज़ द मिक्सड इकोनमी। जिहड़ी कैपिटलिस्ट इकोनमी है, दैट इज़ टोटली डोमीनेटिंग बाय द प्राइवेट सैक्टर। कैपिटलिस्ट इकोनमी पूंजीवाद का जमाना है भाई, चारे पासे जो निजी खेतर है उहदा ही डोमीनेंस जिथे होवे, ते गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज जस्ट एज अ फैसिलिटेटर। आलमोस्ट देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, नो प्लैंड प्लैनिंग और इकोनमी इज देयर। कोई प्लैंड प्लैनिंग नहीं हैगी उत्थे, पहला कोई योजना नहीं बनाएगी गवर्नमेंट ने किवें करना है। प्राइवेट सैक्टर अपने आप डिसीजन ले रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नाल रिलेटेड। इस तरह की इकोनमी असी जदों अर्थव्यवस्था व्यापार नूं चलाना है, इस तरह की इकोनमी असी की कहने हैं, कैपिटलिस्ट इकोनमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जस्ट लाइक द इकोनमी ऑफ वी कैन से द जर्मनी, USA, ये सारी की सारी इकोनमी अर्थव्यवस्था की ने पूंजीवादी। दूसरा है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनमी इज दैट इकोनमी विच इज डोमीनेटेड बाय द पब्लिक सैक्टर, और वी कैन से द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जिस अर्थव्यवस्था के उत्ते पब्लिक सैक्टर का, सरकार का या सरकार के जोड़े नॉमीनेटड अथॉरिटीज़ होंदिया ने उन्हों का कंट्रोल है, सारा डिसीजन उही ले रहे हैं,
प्राइवेट सैक्टर की भूमिका आलमोस्ट जीरो है उस सैक्टर उस इकोनमी असं की कहने समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनमी। जस्ट लाइक 1991 तो बाद दुनिया के जानकारी दसा कि भी सोशलिस्ट इकोनमी आलमोस्ट रही ही नहीं। सारे ने सोशलिस्ट इकोनमी करके देखा कि बहुत सारे देश उजड़ गए, टुट गए, इकोनॉमिकली पिछड़ गए। और सारे के सारे देश हौली हौली पूंजीवाद का जमाना आया, कैपिटलिस्ट होंदे चले गए। एक बहुत वड्डा देश सी रूस जिन्हों कहते हैं, यदा नाम सी USSR। तो रशिया जिन्हों असी कह रहे हैं, रशिया 1991 दे विच कई हिस्सों से टुट गया। उत्थे जिहड़ी सोशलिस्ट इकोनमी सी ओह तहस नहस हो गई। तो रशिया ने फिर सियानता दिखाई, बहुत बड़ा नुकसान होया सी, उन्हें अपने आप नूं कैपिटलिस्ट इकोनमी दे वल शिफ्ट कर लिया जिहड़ा पेंडुलम सी। मिक्सड इकोनमी की है? मिक्सड इकोनमी इज़ द कंबीनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट इकोनमी एंड द सोशलिस्ट इकोनमी, जिथे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ते समाजवादी अर्थव्यवस्था का कंबाइंड रूप है। भाव बहुत सारा हिस्सा जे प्राइवेट सैक्टर के हाथों च है तो बहुत सारा हिस्सा सरकारी हाथों के ही होंगे, जिन्होंने पब्लिक सैक्टर कहते हैं। 1991 तो पहला इंडिया का ज़्यादा झुकाव साढ़े अपने देश का भारत का ज़्यादा झुकाव सोशलिस्ट इकोनमी के वल ज़्यादा सी, बट पेंडुलम शिफ्ट होया 1991 के। जानकारी लिए दसा कदे आप डिटेल फिर गल करांगे। दुनिया के देशों ने एक मिलकर समझौता किया, गैट वर्गा एक समझौता होया, ग्रेटर टैरिफ एक्ट के उत्ते समझौता किया गया कि सारे दुनिया के देश एक ओपन व्यवस्था बनाएंगे, कोई किसी को रोकेगा नहीं व्यापार करन तो, जड़ा मर्जी देश जिथे मर्जी वस्तुआं बेच सकता है। तो ही तो असं देख रहे हैं कि साडे देश दे विच दुनिया भर दीआं वस्तुआं आउंदीआं ने। पहलां साडे देश सिर्फ एक मारुति कार अंबैसडर जां फीएट देखण नूं मिलदी सी, मैं देखिया। तो हुण तुसीं किसी चौराहे ते खड़े हो जो जे 50 कारां निकलणगीआं तां 24 अडड कंपनीज़ दी होणगीआं जां 20 कंपनीज़ दी होणगीआं। इही तां ग्लोबलाइजेशन है, एक चेंज आया साढ़े देश के दे चेंज आया, दुनिया के दे बाकी देशों से भी चेंज आया। और 1991 तो बाद 1991 तो बाद चेंज देखने को मिले। मिक्सड इकोनमी के वल वध गए। अज साढ़े देश के दे पब्लिक सैक्टर भी है तो प्राइवेट सैक्टर भी। इंडियन रेलवे एक एग्जाम्पल्स लाने हैं, पब्लिक सैक्टर है, सरकार के कंट्रोल च है। स्टेट लैवल पर जाओ, स्टेट लैवल की जी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे हरियाणा की है, पंजाब की है, यूपी की है, वह पब्लिक सैक्टर है। लेकिन साढ़े अपने पंजाब की गल करिए कि प्राइवेट सैक्टर की बसिज भी चलदिया ने। मैं उन्होंने नाम नहीं लेना चाहता, लॉर्ड आर देयर, बहुत सारिया ने। तुसी अपने अपने इलाके से देख के देखो, प्राइवेट जी बस सर्विसिज ने, यह साडा प्राइवेट सैक्टर है। जिस स्टेट च जिस जोग्राफिकल रीजन के पब्लिक ते प्राइवेट सैक्टर दोनों मिक्स होकर इकोनमी चला रहे हैं, दैट इकोनमी इज़ नॉन एज उस एरिए की जी इकोनमी है, उन्होंने की कहने मिक्सड इकोनमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हुण डियर स्टूडेंट्स, इन्हां दे विच जे असी तुलना करनी हो बड़ी आसान है, पैरेलल रख के इन्हां दी तुलना करो। सब तो पहला किहड़ा सैक्टर डोमीनेट करता है, सैक्टर डोमीनेटिंग, इस आधार पर तुलना की है। कैपिटलिस्ट इकोनमी दे विच प्राइवेट सैक्टर डोमीनेट करता है, सोशलिस्ट इकोनमी दे विच पब्लिक सैक्टर डोमीनेट करता है भाव सर, ते थर्ड जिहड़ी मिक्सड इकोनमी है उत्थे पब्लिक ते प्राइवेट दोनों ही आलमोस्ट अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा आ जाइए ये इंटरफेरेंस किन्नी है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस। जिहड़ी कैपिटलिस्ट इकोनमी है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आलमोस्ट नील है, जीरो है। थोड़ा फैसिलिटेटर का काम करती है गवर्नमेंट, रूल रेगुलेशन बना दिंदी है देश नूं चलाने के लिए। इकनोमिक गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आलमोस्ट जीरो है। सोशलिस्ट इकोनमी के आलमोस्ट 100% डोमीनेंस किहदी हुंदी है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की प्लैनिंग पॉलिसीज तो बिना अर्थव्यवस्था नहीं चलती, समाजवादी जी अर्थव्यवस्था है। जी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उत्थे दोनों ही चीज़ा ने, थोड़ी सरकार की इंटरफेरेंस किन्ने सैक्टर है किन्ने नहीं होंगी। उस तो बाद है प्राइस डिटरमीनेशन, जड़ा है कैपिटलिस्ट इकोनमी के बाजार की ताकत ने, डिमांड किन्नी है, सप्लाई किन्नी है, ये आधार पर वस्तुओं की कीमत तय होंगी है। जदों की सोशलिस्ट इकोनमी के सरकार तय करती है, उत्थे प्राइवेट सैक्टर की जड़ियाँ मार्केट की ताकत ने वह तय नहीं कर दी। तो मिक्सड इकोनमी के किनिया चीज़ा सरकार के अंडर होंदियां ने, तो कि ही प्राइवेट सैक्टर या मार्केट की कंडीशन जड़ियाँ वो तय कर दियां ने। इस ढंग के नाल असीं इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस तों इलावा ध्यान रखने वाली गल है, जिहड़ा कैपिटलिस्ट इकोनमी है ये इंडिविजुअल नूं पूरी सॉवरेंटी हुंदी है, पूरी आज़ादी हुंदी है, इंडिविजुअल अपने लैवल पर फैसले करता है। सोशलिस्ट के इहो जी आज़ादी नहीं, मिक्स के अद्ध ज़्यादा काम, थोड़ी जी कुछ इशूज़ के सानू आज़ादी है इंडिविजुअल्स नूं, कुछ दे विच सानू सरकारी तंत्र के अनुसार जो सानू इंस्ट्रक्शन हुंदियां ने उहदे अनुसार ही चलना पैंदा है। जिहड़ी इस तों इलावा ध्यान रखने वाली गल है, जिहड़ी कैपिटलिस्ट इकोनमी है जिहड़े प्रोडक्ट
प्रोडक्टिव रिसोर्सिज होंगे ने प्रोडक्शन के जिने भी रिसोर्सिज होंगे ने उन्होंने उत्ते प्राइवेट सैक्टर का कब्जा होंगे। जदों की सोशलिस्ट इकोनमी के प्रोडक्शन के सारे सोर्सिज के उत्ते पब्लिक सैक्टर का कब्जा होंगे ज गवर्नमेंट का जोड़ा वो अधिकार होंगे तो मिक्स के थोड़ा सरकार का थोड़ा प्राइवेट दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स एक गल साफ है कि कॉन्टेंट क्लीयर हो गया होना फिर भी जो थोड़े संबंधित कोई समस्या है अज के कॉन्टेंट नीचे तो कमेंट बॉक्स से आओ मैं अपने बहुत सारे रिस्पैक्टेबल टीचर्स में भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़े सुझाव दो ताकि बच्चों के लिए कोविड का जो पीरियड है असी ऑनलाइन स्टडी उन्होंने कम आसान बना सकी। आओ मिल के असी सारे इस पीरियड तो भी बाहर निकलेंगे कोविड तो एक फिर असी तंदुरुस्त जरा साड़ा देश साड़ा स्टेट दुनिया की कल्पना कर सकेंगे। एक नवी वीडियो नवे कॉन्टेंट के नाल बड़ी जल्दी जानकारी इस चैनल पर तुहाडे सामने आने वाली है। इंतजार करो तब तक दैन थैंक यू वेरी मच।